इट्स मी भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने स्मोकी आइज लुक क्रिएट करूंगी। बहुत से लोगों को लगता है कि स्मोकी आइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, मतलब उसे क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हमारा जो आई मेकअप होता है वो मैसी हो जाता है, और बहुत से लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ईजी बिल्कुल भी नहीं होती है एंड बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मतलब प्रोडक्ट चाहिए होता है उसमें। तो आप बहुत ही मतलब बहुत रॉन्ग सोचते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत इजीली स्मोकी आइज कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड बहुत ही कम टाइम लगता है उसे क्रिएट करने में, मतलब जस्ट 2 से 3 मिनट्स लगते हैं आपको स्मोकी आइज क्रिएट करने में एंड बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्लैक स्मोकी आइज कैसे क्रिएट करेंगे। सो वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना जो आई फेस का बेस है वो कंप्लीट वो लगा लिया है, अप्लाई कर लिया है एंड मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया है। देन मैं आपका आई मेकअप स्टार्ट करना है। तो आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी आईलेट्स पे कंसीलर अप्लाई करूँगी, बिकॉज कंसीलर अप्लाई करने से जो हमारा आई मेकअप होता है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस लगता है। तो मैं यहाँ पे ओलिविया का पेंस्टिक कंसीलर से एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। कंसीलर अप्लाई करने से ना हमारा आई मेकअप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन ब्लू हेवन का काजल से एक स्मोकी लुक क्रिएट करूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन भी नहीं होना है, आपको बस में इसे मैस कर देना है अपनी आईज पे, अपनी आईलिड्स पे। बट मेक श्योर कि आप इसे क्रीज से ऊपर ना जाए। मैंने इसे अपनी आईलेट्स पे मैस कर लिया है, इसे दोनों अपनी आईलेट्स पे लगा लिया है। देन अब मैं इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। हमें इसे क्रीज से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें अपने मार्क्स का पर्ल आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक कलर लेकर हम अपनी आईलेट्स पे प्लेस करना है। हमें इसे अपनी वाटर लैश लाइन पे भी वाटर लाइन पे भी हम इसे एक स्मजर ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे भी स्मज कर लूंगी।
देन लास्ट में मैं अपना द रॉक न्यूड के पैलेट पे ये ब्राउन कलर लेकर इसे क्रीज लाइन पे लगा लेंगे। ये ब्राउन कलर लगाने से हमारा जो आई मेकअप है, जो ये लुक है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन एंड रेडिएशन आएगा, जो कि स्मोकी आईज में बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है एंड जो स्मोकी आईज में बहुत ही अच्छा लगता है। हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो गाइज अब मैं अपने आई लैश को कर्ल कर लूंगी वेगा आई लैश कर्लर की हेल्प से। देन उसके बाद मैं लोअर वाटर लाइन पे ये काजल लगा लूंगी। उसके बाद मस्कारा लगा के मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट करूंगी। गाइस मेरा ये स्मोकी आई लुक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इजी था एंड बहुत ही इंस्टेंटली, मतलब ये बहुत जल्दी क्रिएट आप कर सकते हैं। सो गाइस आप खुद देख सकते हैं कि जो ये स्मोकी आईज लुक होता है ये हर किसी ड्रेस के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, फिर चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो या कैजुअल हो। एंड मेरे ये रेड कलर के टॉप के साथ भी बहुत अच्छा लुक लग रहा है। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गाइज टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।